नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी को। मैं सुकरण सहायक आचार्य EFM। आज हम BCOM पार्ट प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए EFM पेपर प्रथम में यूनिट संख्या सेकंड के अंतर्गत बुक व्यावसायिक अर्थशास्त्र बिजनेस इकोनॉमिक्स बिजनेस इकोनॉमिक्स में यूनिट संख्या सेकंड में डिमांड फॉरकास्टिंग मांग पूर्वानुमान डिमांड एनालिसिस में मांग पूर्वानुमान का हम अध्ययन करेंगे, जो कि आपके विश्वविद्यालयों की एग्जाम में इनसे पूछे जाने वाले प्रश्न में महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि व्यावसायिक अर्थशास्त्र के अंतर्गत मांग पूर्वानुमान से आप क्या समझते हैं और मांग पूर्वानुमान की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। तो आज हम पढ़ेंगे टॉपिक मांग पूर्वानुमान का अर्थ या आशय और मांग पूर्वानुमान को मापने की विभिन्न विधियां। ये टॉपिक आपके एग्ज़ाम में अधिकतर यही प्रश्न पूछते हैं। इसे तो डिमांड एनालिसिस में हमने पढ़ा पूर्व के वीडियो में कि मांग के बेसिक कॉन्सेप्ट कौन कौन से हैं, मांग किसे कहते हैं, मांग कितने प्रकार की होती है, मांग तालिका क्या है और मांग का नियम क्या है, मांग के नियम को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं, मांग की मूल्य लोच किसे कहते हैं, मांग की मूल्य लोच की विभिन्न श्रेणियां और मांग की मूल्य लोच को मापने की विभिन्न विधियां, मांग की मूल्य लोच को प्रभावित करने वाले विभिन्न घटकों के बारे में हमने इस वीडियो के माध्यम से हमने चर्चा करी। इसी क्रम में हम अंतिम टॉपिक यूनिट संख्या सेकेंड का मांग पूर्वानुमान का आशय और मांग पूर्वानुमान की मापने की विभिन्न विधियों का हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। जैसा कि नाम से ही प्रचलित है, इसका अगर हम देखें डेफिनेशंस में कि मांग पूर्वानुमान, मांग प्लस पूर्वानुमान। मांग पूर्वानुमान का मतलब ये है भावी मार्केट स्थिति को देखते हुए वर्तमान में ही उसका अनुमान लगा देना मांग पूर्वानुमान कहते हैं, क्योंकि प्रत्येक व्यवसायिक कार्य में जोखिम या अनिश्चितताएं होना स्वाभाविक है, क्योंकि जोखिम तथा अनिश्चितता के कारण ही व्यवसायिक प्रबंधकों का किसी कार्य को प्रारंभ करने के लिए समुचित निर्णय लेना और भविष्य से घटित घटना का वर्तमान में अनुमान लगाना ही इसमें सम्मिलित है। मांग पूर्वानुमान का हम अर्थ देखें कि मांग पूर्वानुमान का आशय किसी एक निश्चित अवधि के लिए संभावित मांग या बिक्री की मात्रा एवं मूल्य का अनुमान लगाने से है, वह मांग पूर्वानुमान है कि भविष्य में जो बिक्री होगी फ्यूचर में बिक्री का वर्तमान में क्या लगा देना है, अनुमान, वह मांग पूर्वानुमान कहलाता है। कहने का तात्पर्य है भविष्य घटना का वर्तमान में अनुमान लगा देना मांग पूर्वानुमान कहलाता है। भविष्य की घटनाओं का वर्तमान में इस प्रकार से अनुमान लगाना भी है उपयुक्त
तथ्यों की ओर से ये भी इंगित करता है कि फर्म के लिए मांग का सही अनुमान लगाना बहुत आवश्यक है, तभी फर्म एक अच्छी वित्तीय स्थिति के अंतर्गत अपने सामने आती है। मांग पूर्वानुमान जब लगाए जाते हैं तो विभिन्न तत्वों को इसमें सम्मिलित किए करते हैं, विभिन्न घटकों को, एक तो अवधि, एक मांग पूर्वानुमान का क्या लेवल है, क्या स्तर है, एक बाज़ार में माल की क्या स्थिति है, माल का किस प्रकार से वर्गीकरण करना है और माल का बाज़ार में किस प्रकार से। मांग पूर्वानुमान का उद्देश्य हम देखें तो मांग पूर्वानुमान के उद्देश्य अलग अलग हैं, जो अल्प समय के लिए, दीर्घकालीन समय के लिए पूर्वानुमान के अलग अलग निम्नलिखित उद्देश्य हम देख सकते हैं, जिसमें उत्पादन नीति का निर्माण करना, कम लागत पर अधिकतम उत्पादन करना, क्रय की नियमित अवधि और यंत्रों का और मूल्य नीति का सही रूप से अनुमान एवं क्रियान्वयन करना है। अब हम मांग पूर्वानुमान की विभिन्न विधियों की हम चर्चा करें तो प्रथम विधि है बहुत ही इम्पोर्टेंट, अनुमान पर आधारित। अनुमान पर आधारित किस प्रकार से, जो भविष्य में घट, एक्सपीरियंस बेस्ड कंजक्शन जिसे कहते हैं, अनुभव के आधार पे अनुमान लगाना, या अनुमान के आधार पे या विभिन्न प्रकार के एक्सपीरियंस पे अनुमान या अनुभव, अनुमान भी कह सकते हैं, या अनुभव पर आधारित अनुमान लगाना, इसका पूर्वानुमान लगाना, अनुभव विभिन्न प्रकार के जो विशेषज्ञ हैं या फिर अनुभव एक एक्सपीरियंस मद्देनज़र रखते हुए भी अपन अनुमान लगा सकते हैं, किस प्रकार किसी विशेष पद के लिए विक्रय प्रबंधक एक लंबे समय के लिए कार्य जब करता है तो उसको ये अनुमान हो जाता है कि मार्केट में क्या स्थिति बनी रहेगी, तो उसका वह पूर्व में ही अनुमान लगा लेता है। तो अनुभव भी एक मांग पूर्वानुमान में एक अहम भूमिका का निर्वहन करता है। तो इस प्रकार अनुभव पर आधारित अनुमान एक महत्वपूर्ण एक क्रेताओं के दृष्टिकोण का सर्वेक्षण, क्रेताओं के दृष्टिकोण का सर्वेक्षण, क्रेताओं के दृष्टिकोण का सर्वेक्षण भी मांग पूर्वानुमान की विधियों में एक अहम है, क्योंकि क्रेता का दृष्टिकोण देख के भी हम विक्रय का अनुमान लगा सकते हैं कि फ्यूचर में कितनी अपनी सेल्स हो जाएगी, कितना उसमें रेवेन्यू होगा, कितना उसमें प्रॉफिट होगा। तो विक्रय पर आधारित भी हम है, क्योंकि यह विधि भी बहुत ही उपयोगी विधि है, क्योंकि क्रेताओं के एनालिसिस के आधार पर आप अनुमान लगा सकते हैं। तो अनुभव पर आधारित, क्रेताओं के दृष्टिकोण पर आधारित भी उसके सर्वे के सर्वेक्षण या उसके सर्वे के आधार पर आप अनुमान लगा सकते हैं, वो मांग पूर्वानुमान में सम्मिलित है। तो मांग पूर्वानुमान की तीसरी विधि में हम चर्चा करेंगे सामूहिक राय जानने के आधार पर, सामूहिक राय जानना, सामूहिक राय के आधार पर भी अनुमान लगाया जा सकता है कि किस प्रकार इस विधि में वस्तु की बिक्री से संबंधित व्यक्तियों को राय जानकर उनके आधार पर वस्तु की मांग का पूर्वानुमान लगाया जाता है। इसमें सामूहिक राय विभिन्न व्यक्तियों की, जिसमें क्षेत्रीय प्रबंधक, विक्रय प्रबंधक और उत्पादक प्रबंधक और प्रबंधकीय अर्थशास्त्री, उच्च कार्यकारी अधिकारी सभी इसमें सम्मिलित हैं, उनके आधार पर सामूहिक राय लेकर के भविष्य में उत्पन्न होने वाली बिक्री का एक विशेषज्ञों या सामूहिक राय के आधार पर विभिन्न प्रकार के अधिकारी कर्मचारियों या मार्केट में रहने वाले व्यक्तियों के आधार पर अनुमान लगाया जा सकता है। तो इस सामूहिक राय भी एक अहम भूमिका का निर्वहन करता है। मांग पूर्वानुमान की विधियों में अगली है जो कि अनुभव क्रेताओं में रेखीय चित्रीय विधि या रेखाचित्र विधि, डायग्राम बेस्ड या फिर ग्राफिकल मेथड कैसे, जो विभिन्न प्रकार के वर्ष के आधार पे उनकी बैंक साख हो या फिर वर्ष में बैंक साख किस प्रकार से बढ़ी, उसके आधार पे भी आप अनुमान लगा सकते हैं। जैसे कि माने कि
रेखाचित्र के आधार पे, ये वाई ओ एक्स के आधार पे हम देखें तो ये ईयर हो गए जैसे 17 या ईयर 1995 उसके आधार पे जो बिक्री है, जैसे पहले साल या दूसरे तीसरे साल, तो ये भी एक रेखाचित्र के आधार पे भी हम इसको आसानी से अपन क्रियान्वित कर सकते हैं कि कौन से ईयर में कौन सी बिक्री बढ़ी, कौन से ईयर में क्या स्थिति रही। तो रेखाचित्र विधि भी व्यवसाय पूर्वानुमान या मांग पूर्वानुमान में एक अहम भूमिका का निर्वहन करती है। किस प्रकार से, इसमें वित्तीय वर्ष के अंतर्गत पिछले वर्ष के आधार पे या फिर आगामी वर्ष को अपन इस प्रकार से काल्पनिक अनुमान या इस प्रकार से अनुमान लगाया जाता है कि भविष्य में बिक्री बढ़ेगी। तो व्यवसायिक पूर्वानुमान के अंतर्गत जब मापने के लिए इसे भी रेखाचित्र विधि को भी एक बहुत महत्वपूर्ण रूप से मानते हैं। अगला है उपनति विधि भी कह सकते हैं इसको, उपनति प्रक्षेपण। उपनति प्रक्षेपण ट्रेंड प्रोजेक्ट या ट्रेंड एनालिसिस भी से अपन कह सकते हैं। ट्रेंड एनालिसिस का मतलब यहाँ पर मांग पूर्वानुमान में विभिन्न प्रकार की स्टैटिकल मेथड्स या स्टैटिकल फॉर्मूले के आधार पे इसको हम तैयार करते हैं, जिसमें अर्धमाध्य विधि, चलमाध्य गणितीय फलन विधि को सम्मिलित किया गया है। उपने विधि के अंतर्गत भी लिस्ट स्क्वायर मेथड, न्यूनतम वर्ग विधि व आधार पे भी लिस्ट स्क्वायर मेथड, जो कि आप अगली क्लास में पढ़ेंगे कि लिस्ट स्क्वायर मेथड या न्यूनतम वर्ग विधि क्या है। न्यूनतम वर्ग विधि के आधार पे दो वर्षों का इस प्रकार से अनुमान लगा जाता है, जिसमें विभिन्न चरों को अक्षरों को सम्मिलित किया जाता है, जिसमें विभिन्न विधियों के आधार पे सम्मिलित किया जाता है एक व्यावसायिक मापक यंत्र के आधार पे। व्यावसायिक मापक यंत्र के आधार पर भी आप व्यवसायिक अनुमान लगा सकते हैं, जैसे बिजनेस बैरोमेट्रिक्स, व्यवसाय क्रियाओं के अंतर्गत अध्ययनरत विशेषज्ञ या विश्लेषण के लिए व्यवसाय सूचकों के आधार पर ये विधि भी अधिक सरल उपयुक्त विधि में माना जाता है। अगला है आधुनिक अर्थमितीय विधि। सातवीं है आधुनिक अर्थमिति विधि भी व्यवसायिक पूर्वानुमान में एक अहम भूमिका का निर्वहन करती है। इसमें वैज्ञानिक मांग पूर्वानुमान के क्षेत्र द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में विभिन्न विधियों का अधिक प्रयोग किया गया, जिसमें आकस्मिक चरों को सम्मिलित किया गया है। तो इस प्रकार व्यावसायिक पूर्वानुमान की महत्व की बात करें तो व्यावसायिक पूर्वानुमान व्यावसायिक फर्म उद्योगों की स्थापना के आधार पर, उत्पादन के पैमाने के आधार पर हम भूमिका का निर्वहन करते हैं। उत्पादन का नियोजन किस प्रकार से करना है वैसे किया जाता है, श्रम शक्ति का नियोजन, कच्चे माल की नियमित उपलब्धता, लक्ष्यों के आधार, वित्त व पूंजी का नियोजन, उपलब्ध साधनों का अधिकतर उपयोग किस प्रकार होता है, विक्रय निर्देशन और नियंत्रण और उपयुक्त मूल्य विधि को सम्मिलित किया गया। तो इस प्रकार से व्यावसायिक पूर्वानुमान की विधियों के हमने इस वीडियो के माध्यम से हमने चर्चा की। इस प्रकार हम अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे, इसी क्रम में हम अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि उत्पादन किसे कहते हैं, उत्पादन के कौन कौन से साधन हैं, उत्पादन किसी वस्तुओं का निर्माण किस प्रकार से, उसके साधन 5 साधनों के बारे में पढ़ेंगे और उत्पादन साधन या उत्पादन का क्या महत्व है तो वो अपनी यूनिट संख्या 3 के अंतर्गत अध्ययन करेंगे, जिसमें पूरा प्रोडक्शन का चैप्टर है। प्रोडक्शन में भी हम विभिन्न श्रेणियों की बात करें, उत्पत्ति ह्रास नियम, परिवर्तनशील अनुपातिक अनुपातों का नियम, पैमाने के प्रतिफलों का नियम, अल्पकालीन लागतें और दीर्घकालीन लागतों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो अगले वीडियो मिलते हैं,
उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।